क्योंकि बड़े सारे सेशन हो चुके हैं और हमने सभी सेशन जो हैं वो अच्छे से सुने और आनंदित भी हुए। कहते हैं ना कि जॉयफुल रहना अच्छी बात होती है, और इस समय हम आज 2023 के जो सिकलेंस फेस्टिवल का प्री इवेंट हमने किया है उसमें बैठे हैं, और जस्वी मेरे साथ हैं। और जस्वी, चौथा है ये चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इंडिया चैप्टर की बात करते हैं, तो ये सफर जो है कैसे शुरू? सर कह रहे हैं तो हम शुरू करते हैं, और मैं सोच रहा हूँ, सब सोच रहे हैं कि चलो ख़त्म करते हैं। तो 2019 में जब हमारी फिल्म सिकलेंस कैलिफोर्निया में स्क्रीन होने के लिए सिलेक्ट हुई, तब वो फिल्म्स कुछ मैंने प्रोड्यूस की थी और को प्रोडक्शन भी थी, तो कैलिफोर्निया जाने का मौका मिला, और वहाँ पर जाके देखा मैंने कि काफ़ी पंजाबी कम्यूनिटी वहाँ आती है और 4 दिन का प्रोग्राम होता है। तो मैंने सोचा, जब मैं वहाँ पे इवनिंग पे था, फर्स्ट इनॉग्रल इवनिंग पे, तो मुझे गेस्ट मिले वहाँ पे, मैम यहीं बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि हाय आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा ओ माय गॉड, आई एम आल्सो फ्रॉम चंडीगढ़। मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म फेस्टिवल्स में आना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस, ड्यू टू वीज़ा रीजंस, ड्यू टू सो मेनी रीजंस, फिल्म फेस्टिवल्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो देन आई स्पोक टू आवर फाउंडर बीकी सिंह साहब, एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग द फेस्टिवल इन इंडिया, एंड आई टेल यू ही इज़ द नो इज नॉट अ वर्ड इन हिज डिक्शनरी। So he's and if you have just heard him, he will sit with you and he says ki I've been thinking about it, and then you have just asked what I have just been thinking. So I said we'll do it in February. So I don't know, the rest question should be put to him how he said yes, but as a matter of fact, within 60 days we did the first film festival. The moment I landed in India, within 60 days we had our film festival in Chandigarh, 20th or 21st of February 2020 we had our first film festival at the Tagore Theatre. Aur overall agar safar ki baat karte hain to abhi tak ka safar kaisa raha? Safar fatafat aankdon mein bataunga. Pehle saal jab humne festival kiya, believe me, हमारा एम था कि इतनी हम सेवा की बात कर रहे हैं, इतनी हम लंगर की बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की सेवा कौन करेगा? सबसे पहली चीज़ की वी सेड लेट अस मेक पीपल हैबिचुअल ऑफ वॉचिंग द काइंड ऑफ फिल्म्स वी वांट टू मेक देम वॉच। अभी इस चीज़ का एपिटाइट उनका बिल्ड करना पड़ेगा। द फर्स्ट ईयर वी डिड, वी हैड थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स। द सेकेंड ईयर वी डिड, कोविड था नहीं था, 50% ऑक्यूपेंसी के रूल्स फ्लोट कर रहे थे, कि रोज़ गवर्नमेंट रूल्स इशू कर रही थी। वी हैड 2000 विजिटर्स इन द सेकंड फेस्टिवल। थर्ड ईयर सेम वो हुआ, अगेन वी हैड द सेम फुटफॉल, एंड हमने ये चीज़ रियलाइज़ की कि लोग आके हमसे और सीख कर रहे हैं, एंड इस साल वी हैव डबल्ड द प्रोग्रामिंग। नाउ वी हैव अ डेडिकेटेड, we did a dedicated pre-event symposium, and next day we are screening the number of films, 20 films. अभी तक 3 वर्षों में 70 फिल्में दिखाई गई हैं, 11 देशों में बनी हुई। इस साल हम 20 फिल्में और दिखा रहे हैं, 8 देशों में बनी हुई। तो we will touch under figure of 90 films that we have showcased एक single day screening event में के through more than 11 countries in total. तो ये तो ग्रोथ ही है जी। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये जो हटके फिल्में बनाना, क्योंकि हम एक तरफ चलते हैं, जिस तरफ सारे चल रहे होते हैं, आप थोड़ा राह बदल गए और हटकर फिल्में बनाना शुरू की, तो ये कहाँ से आइडिया है? ये वहीं जिस साइड मैं सुबह से बैठा हूँ ना, ये वहीं से बैठ के आइडिया है। क्योंकि जब हम इस तरफ होते हैं ना, तब हम सिर्फ वी आर सेंटर्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम डिलीवर करने पे फोकस कर रहे हैं। जब हम वहाँ बैठते हैं ना, तब हम सोचते हैं हमें रिसीव क्या हो रहा है। तो जब हम वहाँ बैठ के सोचते हैं ना, तब हम सोचते हैं क्या आपने इनकी बात करी, क्या आपने उनकी बात करी, मैं इस कहानी से जुड़ूंगा कैसे। जब तक इंसान इंसान से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो एक पता नहीं किस हद तक एक अच्छी कहानी कह सकता है। मुझे अपना जो मकसद था वो इंसानियत में जुड़ी कहानियों को कहने का मिला,
आई फील दैट इज माई जोन, आई डिस्कवर्ड माई जोन, और उसी जोन में मैं फिल्में बनाने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा, नए लोगों को ऊपर लाने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा, नए आर्टिस्ट, नए टेक्नीशियंस और रियल लाइफ हीरोज को ऊपर लाने का काम निरंतर करता रहूँगा अपनी फिल्मों के द्वारा। और आज बड़े सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस समय हमारे साथ ही हैं, उन्हें क्या कहना चाहें? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा, आपने हमें सुबह से बहुत पेशेंटली सुना है, सबको बहुत सुना है, और कल किसी को नहीं सुनना, कल दिन है देखने का, कल दिन है हमारा फिल्म फेस्टिवल का, कल दिन है हमारा रेड कारपेट का, कल हम सब तैयार होके आएंगे, कल हम सब बहुत बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फिल्में हैं जी यहाँ पे लगी हुई, ये आप सब देखेंगे, आप बहुत अच्छी लॉन्चेस देखेंगे, ट्रेलर लॉन्च हो रहे हैं, कैलेंडर लॉन्च हो रहा है, इतने बेहतरीन आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखा रहे हैं, और जितनी शख्सियतें आई हुई हैं उनसे पब्लिक, देखिए सिख लेंस फिल्म फेस्टिवल के थ्रू कोई बड़ा हमने बैरिकेड या बैरियर नहीं लगाए हुए कि भाई हर गेस्ट आ रहा है उनके साथ में बहुत सिक्योरिटी है, या ये VIP जोन है, ये दूसरा जोन है, आप आके जिन लोगों से एस्पायर करते हैं उन लोगों से आप सीधे जाके बात कर सकते हैं, उन लोगों को सीधे मिलके कह सकते हैं कि बॉस मुझे आपका काम पसंद है, मैं जुड़ना चाहता हूँ। ये जोड़ने का जो काम है ये सिख लेंस ने 4 वर्ष में हमें लगता है कि हम अभी भी उस कोशिश में हैं, ये करते रहेंगे और आगे भी ये करते रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी बात की कि करते रहेंगे, करते आ रहे हैं, और साथ में जोड़ने की बात होती है तो हमें सोचना ही यही चाहिए कि हम टुगेदरनेस है, कहाँ हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। कारवां तो चलता ही रहता है, और उस कारवां में जितने हमारे दोस्त हैं वो जुड़ते चले जाएंगे, ये कारवां बढ़ता चला जाएगा, और जैसे बात हमने की कि आओ साथ चलते हैं, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, सिख लेंस की तरफ से कह देता हूँ कि ये शेर है कि हमने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ, हमने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी अपनी आवाज मिला दो हमारी आवाज के साथ। आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमारे US से गेस्ट आए हैं मिस्टर टेरी, सर वुड यू लाइक टू से यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस, बिकॉज दिस इज ट्रूली एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वेयर वी हैव रिप्रेजेंटेशन इन फिल्म्स इन लैंग्वेज फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू इनवाइट हिम ऑन द स्टेज टू शेयर हिज थॉट्स। बहुत खुशी हुई मिले के। This is an experience that touches my heart and encourages my mind. Forgive me for being emotional, but I was raised it takes a bigger man to show that he has feelings than one that does not. What I've learned and what I've seen is only a small part of what I've experienced. I tell people, if I'm here at the grace of Badaher Singh Ji, who has been a friend for 17 years. I've heard so many things today that are cross-cultural. I've heard the young lady speak about seeking your past, your heritage, talking to the elders. When I was growing up, I would sit with old people as a child, and I'd say, what was it like growing up where you came from, or in Germany, or during the war? And I would seek the knowledge from them rather than a book, because they were there, they experienced it. I was in the college class one time and they were speaking of experiences during the Holocaust period. And there was an elder in the room, and I interrupted the class and I asked the instructor, why don't you talk to them? Because they experienced it, they were in a camp during the Holocaust. They can tell you what it was like, not what you read or hear. I heard people talk about communication. I've been in sales for 50 years, and that is nothing but communication. But the one thing I learned is
that you have to be able to empathize and sympathize with the people you're dealing with. And the reason I became such good friends with Badar Singh Ji is because of the fact I wanted to learn about the Sikhs that I was dealing with. I wanted to learn some of their language, some of their cultures, their religion. I asked questions. And it was funny, I expressed it yesterday. When I first started calling on the Sikh owners, I would walk in and it would be, oh no, I don't need anything. No, 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 no. And so I finally found a store owner that would speak with me. And I said, how do I say hello? And he said, Kihala. So the next time I walk into the store, I go, Kihala. And they go, oh, you speak good Punjabi. And now the door was open. And I would ask them, how do I say this? So the next door, I'd start practicing that phrase. I can't communicate. I know phrases. I know how to be courteous. And it opened doors. And pretty soon, I would walk in and say, Sasrika, Tuhara Kya Chala. And they go, oh, you're the white guy that speaks Punjabi that I hear about. And it would break the ice. And I got to know their families and their friends. There's so many things that have been said, like the Sikh community is misunderstood. And it is through a variety of reasons. One, in a lot of ways, they've closed themselves off. And it isn't necessarily intentionally, but it's out of necessity, that feeling of security that the only people they can trust or relate to are their own. And a lot of it has to do with the ignorance of the people around them who operate out of fear of the unknown. People are afraid of what they don't understand, but rather than trying to understand, they just back away from it or ignore it. A lot of times, people act one way out of fear, but then once you get to know them, they're nothing like the person that you initially thought they were. And again, that's education. You get education through communicating. You communicate through vision, through hearing, through emotion. And it's just been a wonderful experience. And I wish that this type of thing could go on in certain areas of the United States to alleviate the misconception and fear, because I've learned over time that the Sikhs are some of the most giving, honest, wonderful people in the world. And during COVID, they would set up, I guess you would call it the loggers, at truck stops, because truckers weren't allowed to go to drive-thrus, or they weren't allowed to go into the restaurants because of the COVID, but yet they still had to eat. They had to keep the foods and equipment moving over the highways, so the Sikhs would, around the country, would set up the loggers and truck stops to feed the truckers as they came through. That can get a lot of publicity. And so it's things like that that need to be brought to the attention of the American public. There needs to be work done to communicate with the media, with those people, to get them out, to get them to see, make them come, shame them into coming to where they understand. If you have to pay for them to come here to get an insight, offer a trip to them, open their eyes. It's like I said yesterday, that people sit here and they talk about how wonderful Badar Singh Ji is for opening his hospitals and his clinics and everything, but yet, have they been? It's easy to be magnanimous, to draw attention to yourself. Look, I'm empathetic to you. No, I say, go to these places, observe what they're doing. But more importantly, see the people that they're helping and the good that they're doing and the impact that it's having. And I can tell you, it's had an impact on me. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And just like we saw that there were so many sessions and a festival director's courage किताब देनी चाहिए, जोरदार तालियां फेस्टिवल डायरेक्टर के लिए कि हम 25 से ज्यादा लोगों को यहाँ इकट्ठा कर पाए सेशन में, और बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे वो तो है ही, और अब मेरा अनुरोध रहेगा कि डायरेक्टर फेस्टिवल और जस्टिस से कि
वो सबके साथ हम सब मिलके एक फोटोग्राफ के लिए सबके रहेंगे, दो फोटोग्राफ के लिए।